लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्हें प्रोत्साहित करने और उनके लिए रोजगार बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। इसी दिशा में सरकार महिलाओं को अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी CAC खोलने के लिए भी प्रेरित कर रही है। अगर कोई महिला किसी गांव, पंचायत या कस्बे में बिजनेस शुरू करना चाहती तो यह अच्छा मौका है। सरकार ने 2016 में टारगेट तय किया था कि देश भर में 1.6 लाख नए CAC खोले जाएं, जिसके तहत इसका लगातार विस्तार किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर पर सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 15 से 20 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। साथ ही अब सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर पर प्रोडक्ट सेल करने के ऑप्शन भी बढ़ा दिए हैं। नेशनली गवर्नेंस प्लान के तहत सरकार सभी सरकारी सर्विस सस्ती दर पर लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने हैं। एक CAC में सरकारी, प्राइवेट और सोशल सेक्टर जैसे टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, FMCG प्रोडक्ट, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, सभी तरह के प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र और यूटिलिटी बिल की पेमेंट की जा सकती है। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में एक CAC में 300 से अधिक सर्विसेज मिलें। किसी गांव में CAC खोलने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपका कम से कम 10वीं तक पढ़ा होना जरूरी है। साथ ही उसे बेसिक अंग्रेजी और स्थानीय बोली का ज्ञान होना जरूरी है। इतनी कम पढ़ाई लिखाई में CAC गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। यदि आप CAC खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से 100 से 150 वर्ग फुट स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा कम से एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, डिजिटल वेब कैमरा, जनरेटर या इन्वर्टर या सोलर पैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। इन सब पर आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। कैसे शुरू कर सकते हैं CAC? CAC बनने के लिए आधार नंबर होना जरूरी है। इसके जरिए आप http://cscs.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके आधार पर आपको OTP नंबर मिलेगा। इसके जरिए आप CAC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। आपको इस कमेटी के पास आवेदन करना होगा, जो आपके प्रपोजल की स्टडी करने के बाद आपको CAC का लाइसेंस देगी।